स्वागत है आपका देश की बात में। और चलिए अब रुख करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली के शाहीनबाग में प्रदर्शन कर रहे लोग जिद पर अड़े हुए हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का उन पर असर हुआ और ना ही सुप्रीम कोर्ट के नियुक्त किए गए वार्ताकारों का उन पर असर हो रहा है। वो रोज शाहीनबाग आते हैं लेकिन मायूस होकर उन्हें जाना पड़ता है। जिद को जख्म से नासूर बनते देखना है तो आइए शाहीनबाग। इज्जत की खुमारी को अभिव्यक्ति की आजादी का दामन कुचलते देखना है तो आइए शाहीन बाग। इरादों को मतलब परस्त होते देखना है तो आइए शाहीन बाग। यमुना किनारे अपनी मौजूदगी के बावजूद गंगा जमनी तहजीब को दम तोड़ते देखना है तो आइए शाहीन बाग। जी शाहीन बाग, जो आज से कुछ महीने पहले तक महज एक कॉलोनी था, लेकिन आज यह पूरे देश के लिए ऐसा सुलगता स्थान बन गया है जिसकी आंच में अब लोगों के हित भी आ रहे हैं और इसकी इज्जत में लोकतंत्र की नब्ज भी। दरअसल NTCAA प्रोटेस्ट का शाहीन बाग केंद्र बन चुका है। 2 महीने से भी ज्यादा दिनों से लोग यहां पर डेरा डाले हुए हैं। बस एक ही जिद है, नागरिकता संशोधन कानून को वापस लिया जाए। इस प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी तल्ख लहजे में टिप्पणी कर चुका है, लेकिन प्रदर्शनकारी टस से मस होने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोगों को प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन सड़क प्रदर्शन की जगह नहीं। अगर सभी लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा? इसे जारी रहने नहीं दिया जा सकता। हम ये नहीं कह रहे कि CAA का मामला लंबित है तो लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते। लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। अगर सभी सड़क बंद करने लगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। यातायात नहीं बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जिस तरह से टिप्पणी की थी उससे लगता था कि सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग के प्रदर्शनकारी सम्मान करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जिस संविधान को बचाने का प्रदर्शनकारी कथित दावा कर रहे हैं, उसी संविधान के एक अंग की टिप्पणी इन प्रदर्शनकारियों के सामने कोई मायने नहीं रखती और ये अपनी जिद पर अड़े हैं। बुजुर्ग हैं, यहाँ पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप क्या कहेंगे? मतलब कब खत्म होगा प्रदर्शन, कब ये रोड खुलेगा, कब आम जनजीवन जो है वो खुलवा देंगे या NPRCA और वो NRC हटा दो? काला कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई नहीं हटेगा। तब तक चलता रहेगा। मसला बड़ा हुआ और इस मसले ने अपना सफर भी शुरू किया। शाहीन बाग से इसे पहुंचना था 17 किलोमीटर दूर संसद भवन, लेकिन रास्ते में पड़ा सुप्रीम कोर्ट जिसकी दूरी थी 15 किलोमीटर, यानी लोकतंत्र के मंदिर से पहले न्याय के सबसे बड़े मंदिर में। यहां से नियुक्त किए गए कुछ वार्ताकार इस उम्मीद के साथ कि मसला सुलझ जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि कोई रास्ता निकल जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि इस हाईजैक किए गए रास्ते पर लोकतंत्र फिर से बहाल हो जाएगा, लेकिन मौजूदा हालात ने इन उम्मीदों को ICU में पहुंचा दिया है। क्योंकि प्रदर्शनकारियों का बर्ताव ऐसा है कि मानो उन्होंने खुद को ही सत्तासीन समझ लिया हो। जब तक ये खत्म नहीं होगा, CAA वापस नहीं लेने का, जब तक ये खत्म नहीं होने का। सुप्रीम कोर्ट की टीम पे आपको भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है, लेकिन वो चार जजों ने इस्तीफा दिया कि हम पे मोदी और BJP के दबाव में हमसे काम कराया जा रहा है, उन्होंने क्यों ऐसा किया? तो जाहिर सी बात है, यहाँ जिस मांग से हम रोड पर बैठे हैं वो मांग हमारी पूरी हो जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब बात करनी ही नहीं है, किसी की सुननी भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को नजरअंदाज करना है, तो ऐसे में कैसे कह दें कि ये प्रदर्शनकारी संविधान की रक्षा के लिए संविधान से टकरा रहे हैं? दरअसल शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन का कोई माई बाप नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मीडिया के सामने आकर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अपनी बात रख सके। चेहरा है तो वारिस पठान जैसों का, जो किसी और मंच से देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, फिलहाल ये भीड़ है, प्रदर्शनकारियों की भीड़, जिसे दिल्ली बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हर किसी के सब्र की इंतहा होती है। ऐसे में तथाकथित संविधान के पैरोकारों को यह समझ लेना चाहिए कि बातचीत से ही मसले का हल निकल सकता है, जिद और अड़ियल रवैये से नहीं। जनता टीवी के लिए रवि सिंह की रिपोर्ट।